इंदौर के पास महू छावनी क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की निगरानी के दौरान आर्मी इंटेलिजेंस और सीएमपी ने एक नटवर लाल को पकड़ा है जो सेना की वर्दी में घूम रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम मिथुन पिता राम प्रसाद निवासी राजगढ़ ब्यौरा मध्य प्रदेश बताया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस की महू विंग के अधिकारी और जवानों द्वारा छावनी क्षेत्र से गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चौकसी की जा रही थी। इसी दौरान सेना की वर्दी धारी एक युवक पर अधिकारियों की नजर पड़ी, जिसकी वर्दी सहित उसके द्वारा लगाई गई हेड कैप तथा बिहार रेजिमेंट का मोनो गलत पाए जाने पर आर्मी इंटेलिजेंस और सीएमपी के अधिकारियों को उसके ऊपर संदेह हुआ, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर वह फर्जी निकला। आर्मी इंटेलिजेंस को उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड व पेन ड्राइव भी मिली है, जिसमें खुद को बिहार रेजिमेंट का सैनिक होना बताया है। पूछताछ के बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महू थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने बताया कि आज आर्मी और पुलिस साथ में पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी समय एक व्यक्ति जो कि सेना की वर्दी में घूम रहा था और जब हमें उस पर शक हुआ तो हमने उससे पूछताछ की तो उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं मिल पाया और जब पता चला कि उसका नाम मिथुन है, राजगढ़ का रहने वाला है, उसे आर्मी में भर्ती होने का शौक था और उसके फोन में पेन ड्राइव में सभी पहचान पत्र उसके सभी आईडी पर फौजी के नाम से थे। उसमें आगे गांव में भी अपने नाम के आगे फौजी बता रखा है और गांव के लोगों को भी बता रखा है कि मैं फौजी हूं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के हिसाब से अपने नाम को आर्मी का बता करके रखा था। अभी हमने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और पूछताछ जारी है। मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि आर्मी क्षेत्र के अंदर कोई एक व्यक्ति घूम रहा था जो जिसने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। क्या पूरा मामला है सर, कुछ जानकारी लग पाई है? आज पुलिस और आर्मी पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति वहाँ घूमता हुआ पाया गया, जिसको देखा तो उस यूनिफॉर्म पहने हुए था आर्मी की। थोड़ा डाउट हुआ, चेक किया, उसके हाव भाव से चेक किया तो उसके पास कोई आईडी नहीं था और फिर उससे विस्तृत पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसका नाम मिथुन है, मिथुन जो राजगढ़ ब्यावरा का रहने वाला है। उसे आर्मी में भर्ती होने का शौक था 5-6 साल से, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहा है तो उसने अपने आप को सभी आईडी वाईडी जो भी बना रखी थी आईडी उसने वो सभी आर्मी के रूप में ही बना रखी थी अपने पेनड्राइव के अंदर, मोबाइल के अंदर। उसको उसके मोबाइल को चेक किया गया, पेनड्राइव को चेक किया, उसमें उसकी आईडी पाई गई जिसमें फ़ोटो आर्मी का लगा के उसने अपनी आईडी बनाई है खुद ने एडिट करके। उसके बाद उसके कई फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वो आर्मी की यूनिफॉर्म में ही फ़ोटो खिंचवा रखे हैं। गांव में भी उसने बता रखा है कि मैं आर्मी में हूं और सभी को यही बता रखा है कि मैं आर्मी में हूं। फेसबुक और इस पर भी अपने आर्मी के होने का फ़ोटो उसने अपलोड कर रखे हैं। उसकी यूनिफॉर्म में जो बैच वैच ये सभी देखे गए, बैच कैप और आदि सभी जो भी चेक किया उसमें पाया कि वो फर्जी रूप से धोखाधड़ी करने के हिसाब से अपने आप को आर्मी का बता के ये कृत्य कर रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करके उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, क्या कुछ जानकारी लग पाई है, कहाँ काम कर रहा था वर्तमान में ये, या फिर सीधे डायरेक्ट ही इधर आया था मऊ में? नहीं, अभी तो तलाश है, बाकी पूरा डिटेल और विस्तृत उसकी तस्दीक की जा रही है। उसके घर एड्रेस पे पुलिस टीम जाएगी और उसके बाद बाकी जहाँ जहाँ भी उसने एड्रेस रहने के बताए वहाँ भी तस्दीक की जाएगी, उसकी बाकी विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।